जिला सोलन में लंपेवारे से किसान बेहद परेशान और दुखी थे, क्योंकि उनके सामने उनकी गाय दम तोड़ रही थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लंपेवारेस के आगे सभी बेबस थे। जलेवा लंपेवारेस ने सैकड़ों पशुओं का जीवन छीन लिया। अभी भी कई गांव में इस वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से इस रोग पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। इस रोग की वजह से जहाँ एक और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, वहीं दूध का व्यवसाय भी बेहद प्रभावित हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के उप निदेशक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि जिला सोलन में 3 माह के भीतर करीबन 15,488 पशु इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें से 9,216 ठीक हो चुके हैं और बचे हुए 5,075 पशुओं का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से इस वायरस से करीबन 1,197 गाय मर चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे इस रोग का असर कम हो रहा है और उन्हें जल्द उम्मीद है कि इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गायों को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है और जितने भी एहतियातन कदम है वे उठाए जा रहे हैं, ताकि गायों का अनमोल जीवन बचाया जा सके। लंपी में मैं बताना चाहूँगा कि अब थोड़ा ग्राफ जो है वो डाउन आ रहा है, सोलन जिला में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। अगर हम सोलन जिले की बात करें तो पिछले कल जो है 176 केसेस कुल पाए गए हैं और अब तक 15,488 केस यहाँ, इतने एनिमल्स जो है अफेक्ट हुए हैं। ये सारी गो जाति पशु हैं, भैंस में यहाँ कोई नहीं आया है। इसमें से 9,216 वो रिकवर हो चुके हैं और 5,075 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। अभी अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो सोलन की क्या हालात है? मृत्यु दर लगभग 5% के करीब है। 1,197 टोटल डेथ्स अभी तक हुई है। लगभग 3 महीने का समय हो गया है, इसमें 1,197 डेथ हुई है और बहुत ज़्यादा नहीं। प्रयास तो यही है कि हम day 1 से हर पंचायत में अवेयरनेस कैंप लगवा रहे हैं, जो लगभग 110 कैंप हम अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि, या उनको अवगत करवाया जाता है कि इस बीमारी से बचना कैसे है और अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं एज पर गाइडलाइंस, जो रिंग वैक्सीनेशन की जा रही है, जहाँ पे यह बीमारी अभी बहुत कम है या नहीं के बराबर है, वहाँ पे हम वैक्सीन कर रहे हैं और पूरे जिले में लगभग 25,000 के करीब।